थाना जगरी क्षेत्र में राजस्थान मार्का की अवैध तैयार शराब भारी मात्रा में पकड़ी गई। मुखबिर की सूचना पर जगरी पुलिस ने घर में छापामार कार्रवाई में पकड़ी। मौके से एक अभियुक्त भी पकड़ा गया। पुलिस ने कार्रवाई करके जेल भेजा। मामला थाना जगरी क्षेत्र के गांव तदीनागा है। थाना जगनेर ने एक काफी बड़ा अवैध मिश्रित शराब का एक जखीरा पकड़ा है, जिसमें कुल 11 पेटी शराब बरामद हुई है। कुल 528 पौवे हैं, साथ में 60 लीटर केमिकल भी बरामद किया गया है, जिसको शराब बनाने में यूज किया जाता है। उसके साथ काफी भारी मात्रा में रैपर और ढक्कन भी बरामद किए गए हैं, जो कि उसकी ब्रांडिंग करने में उपयोग में लाते हैं। उसमें जो मालूम चला है वो कोई घुंघरू ब्रांड है राजस्थान का, जिसको ये लोग रैपर उसका बना के यहाँ पर ब्रांडिंग करके बेचते हैं। उससे पूछताछ में जानकारी की गई कि जो केमिकल है, उस एक लीटर केमिकल से तकरीबन 4 से 5 लीटर ये लोग शराब बनाते हैं, साथ में उसके यूरिया भी डालते हैं। यूरिया से क्या उसका जो नशा का जो पोटेंशियल है वो बढ़ जाता है। इससे होता क्या है कि जो ये लोग केमिकल मिक्स करते हैं उससे कई बार जहरीली शराब भी बन जाती है। तो मुझे लगता है कि ये जो कार्रवाई थाना जगनेर ने आज की है, जहरीली शराब का जो अभियान चलाया जा रहा है प्रदेश स्तर पे, काफी अच्छी कार्रवाई है। आगे भी ऐसी कार्रवाई की जाएगी। चुनाव में कुछ कमी होनी थी या इसका इंटेंशन कुछ और है? जाहिर सी बात है, क्योंकि चुनाव पास में आ रहा है तो इसका उपयोग चुनाव में भी हो सकता है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। तो चुनाव में हो रहा है या किसी और चीज में, इस पर कमेंट करना भी सही नहीं है, लेकिन उम्मीद ये है कि उसका उपयोग जरूर चुनाव में किया जा सकता है। सर, और भी शामिल है इसमें? केवल अभी फिलहाल एक ही अभियुक्त गिरफ्तार किया गया है। अगर कोई और भी इसमें सम्मिलित है तो उसके संबंध में सूचना एकत्रित करके उसके विरुद्ध भी कार्रवाई की जाएगी। लेटेस्ट खबरों से जुड़े रहने के लिए देखें हमारा यूट्यूब चैनल, करें लाइक शेयर सब्सक्राइब।